हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, ये फर्स्ट स्टेप होगा हर इसमें। अभी देखो हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें मालूम है। कल पढ़ा था हमने, एक साइड में फॉर्मूले लिखे थे इधर, वो होता है 1/1 + x2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स log x है, मतलब x की जगह पे क्या है, log x है। तो हमें इसको कैसा करना पड़ेगा, therefore dy by dx is equal to 1/1 + x की जगह पे कौन है, log x, तो log x का square। तो अभी x की जगह पे कुछ और है, जो कुछ और है उसको किस में लेना पड़ता है, कंपोजिट में। तो हम उसको कंपोजिट में ले लेंगे, ddx of x की जगह पे कौन है, log x। तो क्या आ जाएगा, 1/1 + log x का स्क्वेयर एक इसमें आएगा, और ddx of log x क्या होता है, 1/x। तो इसको ठीक से कैसे लिखेंगे, dy by dx is equal to 1/x, पहले लिख लेता हूं x, 1 + log x का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और कुछ इसमें कर नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अभी सेकंड करते हैं, सेकंड अगर करेंगे तो ये देखो cosec inverse e^-6। अभी इसमें आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, चलो इसको पहले मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू cosec inverse e^-6। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, y इक्वल टू cosec inverse 1/e^x, क्योंकि e^ क्या है, माइनस एक्स, तो नीचे आ जाएगा। अभी हमें मालूम है कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, या फिर उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो कोसेक इनवर्स है इसलिए 1/e^x है। मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, कोसेक की जगह पे मैं साइन इनवर्स रख दूंगा और ये जो e^x नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, अभी हमें साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है, ddx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, तो ddx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 − x², ठीक है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे e^x है, तो क्या हो जाएगा, 1/√1 − x की जगह पे e^x का स्क्वायर। तो x की जगह पे जो है उसको कंपोजिट में लेना पड़ेगा, तो x की जगह पे e^x है, तो ddx ऑफ e^x लेना पड़ेगा कंपोजिट में, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ddx ऑफ e^x क्या होता है, e^x ही होता है, तो e^x ऊपर आ जाएगा, √1 − e^x इंटू टू क्या आ जाएगा, e^2x, लॉज ऑफ इंडाइसेस, सिंपल है। ये हो गया हमारा dy by dx, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या है। चलो पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स x³, हमें मालूम है, क्या मालूम है, ddx ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है, वो होता है −1/1 + x², लेकिन इधर x की जगह पे x³ है, तो x की जगह पे x³ पुट कर देंगे और बाद में x³ का कंपोजिट का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू −1/1 + x की जगह पे पुट करेंगे x³ का स्क्वायर, और बाद में ddx ऑफ x की जगह पे कौन है, x³ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ddx ऑफ x³ क्या होगा, x^n क्या होता है, nx^n − 1, मतलब 3x^3 − 1, मतलब 2, और ये क्या आएगा, 1 + x^3 और 2, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x^6, ठीक है। तो यही हो गया हमारा dy by dx, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ये -1 है। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस।
चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्या है कॉट इनवर्स 4:2x। तो चलो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4:2x। ठीक है, हमें मालूम है डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x होता है -1/(1+x²)। तो x की जगह पे है वो पुट कर देते हैं, देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा -1/(1+) x की जगह पे कौन है 4:2x का स्क्वायर। तो अभी x की जगह पे दूसरा पूछे तो जो दूसरा पूछे उसको कंपोजिट में ले लेंगे, d dx ऑफ x की जगह पे क्या था 4:2x। ठीक है, तो इज इक्वल टू -1/(1+)4:2 में 2x लिख सकता हूँ। लॉज ऑफ इंडाइसेस, दोनों इंडाइसेस का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। और अभी ये देखो हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है d dx ऑफ a^2x क्या होता है a^2x इंटू लॉग a होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:2x इंटू लॉग 4 हो जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर -4:2x इंटू लॉग 4 अपॉन 1+4:2x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अभी फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, चलो y इज इक्वल टू मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √x। tan इनवर्स का फॉर्मूला मानना पड़ेगा क्या है d dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, वो होता है 1/(1+x²)। तो चलिए अभी इसको डेरिवेट करते हैं, फिर dy by dx इज इक्वल टू 1/(1+) x की जगह पे कौन है √x का स्क्वायर इनटू, अब x की जगह पे √x है तो x की जगह पे जो √x है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा कंपोजिट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा 1/(1) ये हो जाएगा 1+x। ठीक है, इनटू d dx ऑफ √x क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 1/(2√x)। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 1/(2√x) इनटू ब्रैकेट 1+x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अभी करते हैं हम सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखना है, बहुत सारे कंपोजिट इसमें यूज कर रहे होंगे हमको। पहले तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √(1+x²)/। ठीक है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना होगा, क्या है d dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1/(√1-x²)। तो चलिए पहले ये यूज करते हैं, उसके बाद में कंपोजिट का देखा जाएगा। ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल टू 1/(√1-), अभी x की जगह पे पूरा ब्रैकेट भरा पड़ा है, वो स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो x का स्क्वायर मतलब इस ब्रैकेट का स्क्वायर, अगर ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर रूट साइड हट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ 1+x²/2 बचेगा। ठीक है, इनटू अभी x की जगह पे जो है वो पूरा डाल देता हूं मैं d dx ऑफ 1+x²/2। करेक्ट है, ये स्टेप समझ में आना चाहिए। चलो इसको करते हैं फिर इज इक्वल टू, ये देखो क्या आएगा 1/(√2)-1 ये 1+x²/2 हो जाएगा। करेक्ट है, इनटू अभी देखो ये जो पूरा है अंडर रूट के अंदर, ये पूरे को मैं x मान लेता हूं, पूरे को x मान लेता हूं, और d dx ऑफ अंडर रूट x का फॉर्मूला, तो d dx ऑफ अंडर रूट x क्या होता है 1/(2√x)। तो उसी तरह से क्या रहेगा 1/(2√x), x की जगह पे ये पूरा है 1+x²/2, और x की जगह पे जो पूरा है उसका वापस कंपोजिट में लेना पड़ेगा d dx ऑफ क्या है x की जगह पे 1+x²/2 है। ठीक है, आपको दिख रहा है लास्ट वाला, ओके। अभी देखो फिर हम क्या कर सकते हैं 1/(√), देखो क्या हो जाएगा 2-1-x²/2। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1/(2
अंडर रूट 1/2 a एज इट इज, और इसका देखो क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो कुछ आता नहीं है, तो हमें इधर सिर्फ क्या जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, तो इधर आ जाएगा ये 2 नीचे का एज इट इज 2x, तो 2 कट हो जाएगा। तो अभी देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको, 1/1 अंडर रूट, देखो 2 माइनस 1 1 ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 बाकी है, ठीक है, इस 2 को मैं इसको दोनों को ब्रैकेट में कर देता हूं, इन दोनों को बाहर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और इधर क्या बचेगा, खाली इधर बचेगा x बचेगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1, ये देखो ये 2 जो है अंडर रूट के अंदर है, और 2 और ये 2 कट हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2, और ये 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों अंडर रूट में, और ऊपर क्या बचेगा, ये ऊपर वाला x। तो चलिए मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन, देखो यहां पे ठीक से करेंगे तो अंडर रूट है, करेक्ट है, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, x अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, यही क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल था, ये एग्जाम में आ सकता है, करेक्ट है, ये 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये बाहर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जो अंडर के न्यूमेरेटर बचे उसको लिखा, उस x को इधर लिख दिया, और बाकी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए दोस्तों 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला स्टेप क्या, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पे ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पुट कर लेंगे और ब्रैकेट को बाद में कंपोजिट में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की जगह पे ब्रैकेट है 1 माइनस x स्क्वायर उसका स्क्वायर, और x की जगह पे जो है वो कॉम्पोजिट में ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ x की जगह पे क्या है 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अभी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इधर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए 1 है, b क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब b क्या है एक्स रेस टू 4, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव नहीं आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का, अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एज इट इज, और यह आ जाएगा 2x, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा अंडर रूट, ये देखो 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स रेस टू 4, ठीक है। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x अपॉन, देखो यहां पे ये एक्स रेस टू 4 है, एक्स रेस टू 4, देखो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के अगर उसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो वो x हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा अंडर रूट, देखो ये बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 ऊपर बचेगा, एक्स एक्स कट हो जाएगा अंडर रूट
टू माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स, करेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, शांति से करेंगे, आसानी से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेवंथ। अभी कर रहे हैं एट वाला। देखो पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रेस टू 3 बाय, फॉर्मूला कौन सा, वही डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे है जो है वो पुट कर देंगे, और एक्स की जगह पे जो है उसका बाद में क्या ले लेंगे, कॉम्पोजिट ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे है एक्स रेस टू 3 बाई टू उसका स्क्वायर। ठीक है, और एक्स की जगह पे जो है वो ले लेंगे फिर कॉम्पोजिट में। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स रेस टू 3 बाई टू इज इक्वल टू, देखोगे एक्स रेस टू 3 बाई टू का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के हिसाब से जाएंगे, एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3 बाई टू। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई टू इंटू एक्स रेस टू 3 बाय 2 माइनस 1। अभी 3 बाय 2 माइनस 1 कितना होता है, 3 बाय 2 माइनस 1 होता है 1 बाय 2। देखो 3 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2 अपॉन 2 क्या आएगा 1 बाय 2। तो ये क्या जाएगा x रेस टू 1 बाय 2 अपॉन अंडर रूट, देखो 1 माइनस ये इंडाइसेस का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन रूल है, तो मल्टीप्लीकेशन में अपॉन टू और ऊपर वाला टू कट हो जाएगा, ये खाली बचेगा वन, वन माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डीवाई बाई डी एक्स होगा 3 बाय 2। ठीक है, एक्स रेस टू हाफ मतलब क्या, एक्स रेस टू हाफ मतलब रूट एक्स होता है। ठीक है, और टू 1 माइनस एक्स क्यूब, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलो दोस्तों नाइन्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ वाला और टेंथ वाला क्वेश्चन जो है दोनों सेम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कॉस क्यूब इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज। चलो इसको मान लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, इसी को मैं कैसा लिख सकता हूं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इन ब्रैकेट, मैं इसको फिर करली ब्रैकेट कर देता हूं, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब का क्यूब, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला कॉस एक्स का क्यूब एंड कॉस क्यूब एक्स दोनों सेम है क्या, तो है, दोनों क्या है एकदम एग्जैक्ट सेम है। कॉस एक्स का क्यूब मतलब क्या होता है, कॉस क्यूब एक्स ही होता है। उसी तरह से हमने क्या लिया, कॉस क्यूब जो यहाँ पे था कॉस क्यूब थीटा, इसको पूरे को अंदर को मान लेते हैं थीटा, कॉस क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का क्यूब, कॉस क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का क्यूब, उसी तरह से। तो फिर मैंने उल्टा किया, तो उसके बाद में क्या हो जाता है, ये कॉस और एक कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसल हो जाते हैं, ये कॉस कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यही सिर्फ एक्स क्यूब का ऊपर क्या आ जाएगा और क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये बचा और उसके ऊपर 3 बचा, तो y क्या हो जाएगा फिर सॉल्व करने के बाद 3 इंटू 3 एक्स रेस टू कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, लॉज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, पावर के पावर, जब दो पावर रहेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो अभी सिंपल हो जाएगा फिर एक्स रेस टू एन के रूल से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स रेस टू एक्स क्यूब, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, करेक्ट है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एन 9 है, एन माइनस वन कितना है 8 है, हो गया। ठीक है, ये है हमारा आंसर। उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। चलो लेट वाई इक्वल टू साइन रेस टू 4 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, फिर साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स रूट एक्स और पावर कितनी है, पावर है 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन और साइन इनवर्स कट हो जाएगा, तो y आ जाएगा रूट एक्स का पावर 4। तो रूट एक्स का पावर 4 मतलब क्या, रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ रेस टू पावर 4,
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रेस टू हाफ इंटू फोर, हाफ इंटू फोर कितना टू, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेम यही वाला रूल लगाओ क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन सिक्स था हमारा प्रैक्टिस से या फिर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सिक्स हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।